नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप जो है वो नॉर्मल सबग्रुप का से सुपीरियर है। हम सबसे पहले जब ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले हम देखे थे सबग्रुप, उससे एक सुपीरियर प्रॉपर्टी आई नॉर्मल सबग्रुप, यानी कि नॉर्मल सबग्रुप जो है वो सबग्रुप से सुपीरियर है। हर एक जो नॉर्मल सबग्रुप है वो सबग्रुप होता है बट हर एक जो सबग्रुप है वो नॉर्मल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद में हम एक और सुपीरियर प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप, जो कि नॉर्मल सबग्रुप से भी सुपीरियर है। जहाँ पर कोई भी सबग्रुप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप कब होता है, जब टी एच कंटेंड इन इक्वल टू एच हो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ऑट जी, यानी कि जो हमारा आउटर सर्कल है वो है हमारा सबग्रुप, जो इसके अंदर वाला सर्कल है वो है नॉर्मल सबग्रुप, और जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो है कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। यानी कि हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है वो नॉर्मल सबग्रुप भी है, सबग्रुप भी है, और जो हर एक नॉर्मल सबग्रुप है वो सबग्रुप तो है ही। तो हमारे पास में हम आज के वीडियो में ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप होता है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। और ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल की मदद से, क्योंकि जब भी हम मैथमेटिकली कोई भी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को बताते हैं कि देखिए इस एग्जाम्पल में ये जो चीज़ है वो ट्रू नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, शो दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इस थ्योरम के अंदर डायरेक्टली मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ जिनका प्रूफ मैं आपको बहुत पहले करा चुकी हूँ। तो ज़रूरी यह है कि जहाँ जहाँ पर मैं आपको वो लाइनें मेंशन कर रही हूँ आप वो सभी थ्योरम्स को सर्च करें, ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, एच इज अ कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी। कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप पूरा का पूरा, मैं इसको सी एच एस जी या फिर काफ़ी जगह खाली सी एच से भी लिख रही हूँ। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ये किसी मैथमेटिशियन की डिक्लेयर की हुई है। इंस्टेड ऑफ दैट, ये बार बार लिखने के हर्डल से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। H is a characteristic subgroup of G, हमें ये शो करना है टू शो H is a normal subgroup of G। अब since H is a characteristic subgroup of G, characteristic subgroup है G का, therefore TH contained in equal to H है for all T belongs to odd G। ये तो आपका direct definition से आ गया। अब आपको ये पता है कि टी जी ऑफ एच कंटेंड इन इक्वल टू टी एच होते हैं, बिकॉज सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिजम्स ऑन जी इज अ सबग्रुप ऑफ ऑट जी। ये होता है फॉर ऑल टी जी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिजम्स। ये स्टेप मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ। देखिए, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिजम्स जो हैं वो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का हिस्सा होती है। तो टी जी एच कंटेंड इन इक्वल टू टी एच फॉर ऑल टी जी बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर टी जी एच कंटेंड इन इक्वल टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, और टी जी एच यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑन
जी जो है उसके अंदर ये यहाँ पर क्या आ रहा है टी जी एच यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑन एच। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं टी जी एच के अंदर, जी एच जी इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें हमारे पास में ये क्या आ गया जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो यही हमारे पास में नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन है, देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। अब इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है, तो हम इस चीज को लिखकर बता देते हैं, कन्वर्स अ नॉर्मल सबग्रुप may or may not be a characteristic subgroup। एक normal subgroup जरूरी नहीं है कि characteristic हो। इसके लिए example मैं वो ही ले रही हूँ, Kling's four group, E A B A B, जहाँ पर हमें दे रखा होता है A square is equal to B square is equal to E and A B is equal to B A, ये हमें दे रखा होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि एच जो ये वाला सबग्रुप ले रही हूं ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप नहीं है, एच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी। बट आप यहां पर देखोगे कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 2 है एंड ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 4 है, तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच व्हिच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। हमें पता है कि किसी भी सब ग्रुप का अगर इंडेक्स जी के अंदर 2 आता है इसका मतलब देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बट एच इज Not a characteristic subgroup, but H जो है वो characteristic subgroup नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास में इसका एक counter example आ जाता है। Next video में हम कुछ और important theorems discuss करने वाले हैं, ये बहुत ही छोटा topic है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो हम topic discuss करने वाले हैं वो है equivalence classes का, partition, equivalence classes और इसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के खत्म हो जाने के बाद में। और इस तरह से हमारा जो ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है वो मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस बीच कोई भी सब टॉपिक, कोई छोटे से छोटा टॉपिक, डेफिनेशन, थ्योरम या क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, तो आप मुझे इसके खत्म होने के साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक जरूर कराऊंगी। Thank you so much for watching this.